हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भाई। हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छे हों, हंस रहे हों, मुस्कुरा रहे हों। अरे हंस रहे हों से याद आया, आज हम आपके साथ यही चीज लेकर आए हैं। जी हाँ, ये सब तो आपने सुना ही होगा कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं गुरमीत चावला जी। जी हाँ, जिन्हें हम प्यार से जानते हैं जूनियर जसपाल भट्टी के नाम से। दोस्तों, आज के माहौल में क्या चल रहा है? ये कोरोना जो आ गया है, सब एकदम शांत से, सब सैड सैड हैं। सबको यही लग रहा है, हे भगवान, न जाने क्या हो गया, पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से कोई डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। बस आप यूं समझ लीजिए कि आप सांप सीढ़ी खेल रहे थे, 99 पे आपको सांप ने काट लिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गेम से आउट हो गए। अभी तो पता नहीं कितने सीढ़ी आएंगे लाइफ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसना तो बहुत जरूरी है यार। इसीलिए वेलकम करते हैं गुरमीत चावला जी का, और चलिए शुरू करते हैं उनके साथ कुछ कॉमेडी। तो चलिए, मैम ने बहुत बढ़िया बात बताई कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये बात मैम बिल्कुल सही है। जैसे इन्होंने कोरोना के ऊपर भी मैसेज दिया, आप हंसेंगे ना तो नेचुरली बात है बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर भाग जाएगी। अब हमने मैम कोरोना की बात करी, कोरोना से मैं कॉमेडी स्टार्ट करता हूँ। और 3-4 दिन से मेरी वाइफ रोज कह रही है ये बीमारी पता नहीं कब जाएगी, बीमारी पता नहीं कब जाएगी। अब समझ नहीं आती है, मुझे कहती है रोज के, कोरोना को कहती है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ पिछले 3-4 दिन से। अब इससे बड़ी बात मैडम क्या हो गई, कोरोना के ऊपर कैसे कॉमेडी निकली। हमारी काम वाली आके पता कल क्या पूछ रही है, कहती सर ये कोरोना की छुट्टियां अगले साल भी हुआ करेंगी, ये कोरोना का त्यौहार अगले साल भी आएगा। देख लो कहां कहां से कॉमेडी निकल आती है। अब देखो मैं बात करने जा रहा हूं मैडम कॉमेडी की। नेचुरली बात है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अब कॉमेडी कभी भी ये ना सोचना कि रट्टा मारने से आती है, जर्नल बातों से आती है। हमारी गली में एक लेडी सारा दिन सबसे लड़ती रहती है, बड़ा गुस्से वाला स्वभाव है, लड़ती रहती है। वो परसों अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। मैं कहा कहाँ जा रहे हो, वो कहता यार भाभी की रिपोर्टें लेने जा रहा हूँ। मैं कह महल्ले से ले ले। देख लो कहाँ कहाँ से कॉमेडी निकल जाती है। छोटी सी बात में मैंने पंच मारा, उनको अच्छा लगा। एक कभी भी देख लेना, बंदा अमेरिका से आ जाए ना, उसका बात करने का स्टाइल चेंज हो जाता है। कहता अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में वैसा है, अमेरिका में ये है। अब मेरा दोस्त अमेरिका से आया, अब उसका बात करने का स्टाइल ही चेंज हो गया। अमेरिका में कहता ये है, अमेरिका में वो है। मैं कह यार क्या है तुम्हारे अमेरिका में ऐसा खास। कहता यार अमेरिका में ब्रिटनी मडोना जैसी बॉम्ब है, तुम्हारे पास क्या है। मैं कह है नहीं इमरान हाशमी बम डिफ्यूजर, बातें मार रहे हैं। कहता अमेरिका वाला टाइम का बड़ा पंचुअल होता है। मैं कह यार हमसे पंगा न लियो, इंडियन भी बड़े पंचुअल होते हैं। अब लो जी उसने बताया कि मैं कैसे पंचुअलिटी दिखाई। उसने अपने नौकर को आवाज मारी, कह रहा डेविड 10 रुपए का कार्ड लेकर आओ। लो जी डेविड सीढ़ियां उतरा, गेट खोला, सड़क पार किया, सामने लोहाई की दुकान है, 10 रुपए का कार्ड लेके आया। लीजिए सर। मैं कह अच्छा जी ये क्वालिटी तो हमारे अंदर भी बहुत है। मैंने भी बाज मारी अपने नौकर को, मैं कह नथा सिंह 10 रुपए का दही लेकर आओ। लो जी नथा सिंह सीढ़िया उतरा, गेट खोला, सड़क पार किया, सामने लोहाई की दुकान है, 10 रुपए का दही लिया। दोबारा सड़क पार किया, सीढ़िया चढ़ चुका है, नथा सिंह दही कहाँ है। कहना दही स्वाद हुआ मेरिया अली चपला ही नहीं लभिया। कहना वो चपले ढूंढ रहा है घर में, मतलब की ना आलसी, मतलब एक ना मतलब आलसी बहुत है हमारे। काम क्वालिटी बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हमेशा ही नंबर वन रहेगा, ये फैक्ट है। और मेरे को फक्र है कि मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। अब देखो आलसियों की बात चल रही है मैम। अब आलसियों के ऊपर ना एक बार कंपटीशन हो गया, सारे हिंदुस्तान के आलसी इकट्ठे कर लिए। हमें भी पता लग गया कि आलसियों का कंपटीशन हो रहा है, हम भी तैयार श्यार हो गए ना। 3 दिन पहले ही घर से निकल गए, टाइम लगेगा जाने में, बहुत बड़े आलसी हैं। धीरे 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 हम पहुंच ही गए वहां। अब उन्होंने वहां क्या किया, एक हॉल कमरे के अंदर, हॉल कमरे में सारे आलसी बिठा के एक शेर लेके आए, उस कमरे में छोड़ दिया। हमने कहा मरना तो है ही है भाई, अपनी जगह से भी नहीं हिले हम, आराम से हम बैठ के खाते रहे पॉपकॉर्न, हिले भी नहीं। वो कहते जी इनको बुलाओ स्टेज पे, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करी, इनको स्टेज पे बुलाओ। बस भी हम धीरे 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 स्टेज पे पहुंच गए। कह रहे जी इनको सम्मानित करो, इनको 50,000 रुपये का कैश प्राइज भी दो। मैं कह ये इनाम मेरे को ना दो। कह रहे कमाल होगी, आपको क्यों ना दें। मैं कह जी ये इनाम ना मेरे भाई साहब को दो। कह रहे भाई साहब। मैं कह जी वो घर से नहीं आए, इतने बड़े आलसी हैं। आलसी देख लो, मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी, उनको पता था ज्यादा से ज्यादा इनाम ही मिलेगा। अब देखो बात बच्चों की ना करो तो कॉमेडी मेरे हिसाब से अधूरी है, बच्चों से बड़ी कॉमेडी निकलती है। अब मेरा भतीजा देखो, मैंने कहा बेटे अब अगला सेशन स्टार्ट होगा, कोरोना जल्दी खत्म होगा, स्कूल खुलेंगे, तो पहला टीचर को क्वेश्चन जाके क्या करोगे। कहते तो यही पूछूंगा जी गर्मी की छुट्टियां कब पड़ेंगी। देख लो अब बड़ा शरारती है। मैंने वैसे उसकी जर्नल नॉलेज चेक करी परसों। मैं कह बेटे जिसको सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। कह रहा चाचू जो मर्जी बोलो, उसको कौन सा सुनाई दे रहा है। मतलब कोई उसने आंसर सीधा देना ही नहीं, मोबाइल की बात करेगा सारा दिन मोबाइल। आप यकीन नहीं करेंगे सारा दिन मेरा मोबाइल छेड़ता है।
अब मोबाइल के ऊपर बात चली है, मोबाइल से ना बड़े झूठ निकलते हैं, ये मोबाइल है ना ये झूठ बोलने वाली मशीन बोलते हैं हम इसको कॉमेडी, क्योंकि इसमें से बड़ी कॉमेडी निकलती है। अब जब ये नया नया आया था ना मोबाइल, मुझे चलाना नहीं आता था, मैं शॉप पे चला गया, मैं कह सर इसमें ना सारे जेजीपी के गाने डाल दो नवे नवे। कहते बट्टी साहब मेमोरी कार्ड है। मैं कह सर वो तो है नहीं जी, आधार कार्ड या राशन कार्ड से काम नहीं चलेगा। मतलब नॉलेज नहीं थी ना, और बच्चों को देखो आजकल कितनी नॉलेज है, सारा दिन मोबाइल की बात करता है। और बच्चे ने मोबाइल लिया, मैडम ने उसका क्लास में नाम पूछ लिया मेरे भतीजे का, मोबाइल मोबाइल का भूसवा रहा है उसको। अब मैडम ने उसका नाम पूछा, कहती व्हाट्स योर नेम, कहता टाटा इंडिगो। वो कहती व्हाट कैन यू रीड, कहता हज का छोटा चार सिर्फ 10 रुपए में। मैडम कह रही तेरी लाइफ का क्या होगा, कहता मैडम जी स्पाइस है तो लाइफ है। कह रही तेरे दिमाग में है क्या, कहता एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। वो कहती करना क्या चाहते हो जिंदगी में, कह रहा मैडम कर लो दुनिया मुट्ठी में। कह रही दफा हो जा क्लास से, कह रहा थैंक यू मैडम एयरटेल जैसी जाती और का। तो कॉमेडी बहुत टफ टास्क है, हंसते रहो हंसाते रहो। एक बार फिर से यस टीवी वालों का भी मैं थैंक्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए। और सच्ची में अगर जिंदगी में लाफ्टर नहीं है, जिंदगी में हंसी नहीं है, तो जिंदगी में क्या है। अरे एक ही तो जिंदगी है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और देखते रहो यस टीवी। नमस्कार।